So guys, in this we have common panel of insolvency professionals. देखो जी, ये बात हमारी हुई है insolvency और bankruptcy code, जो हमारे पास एक पता होना चाहिए हमारी इकोनॉमी में क्या था. मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है. कोई भी इन्वेस्टर ना पैसे लगा देता था किसी चीज में और लगाने से घबराते थे. क्यों घबराते थे? क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर इनकेस हम फेल हो गए तो, दिवाली निकल गया तो. उनका ये डर इसलिए भी जायज था क्योंकि इंडिया में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से पहले कोई एग्जिट पॉलिसी ही नहीं थी. एग्जिट पॉलिसी का मतलब होता है कि जी आप एंटर तो कर गए, अरे अब अगर आपका काम नहीं चल रहा, अब आपने पैसे लगा दिए, अब आपने एसेट्स को जनरेट कर दिया, अब कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि एक इन्वेस्टर बाहर कैसे निकले उसमें से. बट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. हम इसे एग्जिट पॉलिसी बोलते हैं. अब हुआ क्या कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के नीचे ही बना है, वो क्या करेगा, एक कॉमन पैनल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स तैयार करेगा फॉर अपॉइंटमेंट्स. किसके लिए? एक को आईआरपी बनाएंगे, मतलब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाएंगे, जो तय करेगा कि कैसे कैसे चल रही है प्रोसीडिंग. दूसरे को लिक्विडेटर बनाएंगे, तीसरे को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का दर्जा देंगे और चौथे को बैंकरप्सी ट्रस्टी बोलेंगे. बोर्ड जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो शेयर करेगा इस लिस्ट को इन एडवांस विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल. और ये कौन है? ये एक ट्रिब्यूनल है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के नीचे ही बनाया गया है, जो किसी कंपनी की लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स को शुरू करेगा. एडजुडिकेटिंग का मतलब ही वही है. तो ये जो बोर्ड है इस लिस्ट को पहले से ही शेयर कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ, टू चूज फ्रॉम, टू ओवरसी वेरियस केसेस ऑफ रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन, कि आपने किनको क्या देना है, किसको आपने रेजोल्यूशन सौंपना है, किसको आपने लिक्विडेशन सौंपनी है. एट प्रेजेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से ये उम्मीद की जाती है कि वो हमारे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नेम रिकमेंड करते हैं ओनली आफ्टर रिसीविंग रेफरेंस फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. आपको लगेगा कि बात तो चलो तब भी ठीक थी, कितनी को बड़ी बात थी. देखो जी, प्रॉब्लम ये है कि एक बार एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को बोला कि आप हमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दो, आप हमें लिक्विडेटर दो, आप हमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दो, तो आईबीबीआई जो काम उस समय करेगा उसमें बायस का मैकेनिज्म रह सकता है. इसलिए उन्होंने ये बात लिखी है कि बोर्ड जो है वो पहले ही एक कॉमन पैनल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को बनाएगा और उस लिस्ट को एडवांस में ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देगा कि भैया आप खुद चूज करो कि इसमें से आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन चाहिए, लिक्विडेटर कौन चाहिए. एडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे बड़ी बात, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को लगाने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डीले आते हैं, पहली बात तो वो डीले नहीं होगा. और अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लगाने में डीले नहीं होगा तो लिक्विडेशन जल्दी हो जाएगी. और आज की डेट में लेट मी टेल यू, हमारे जब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, मैं कहूंगा फॉर्मर लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के राज में जब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड प्रपोज हुआ था ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं 180 डेज का टाइम लिया गया था, 180 दिन का समय लिया गया था एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू होने से लेके इंसॉल्वेंसी पूरे होने तक, 180 दिन 6 महीने. और जो डेटा है, डेटा दिखाता है कि 4 से 5 साल लग जाते हैं एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को खत्म होने में. और उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब कभी रेफरेंस देता है बोर्ड को, तब जाके बोर्ड उसका नाम रिकमेंड करता था, फिर जाके अपॉइंटमेंट होती थी वगैरह वगैरह. तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लगाने में डीले खत्म हो जाएंगे, दूसरा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस आपका एक्सपीडाइट हो जाएगा, तेज हो जाएगा. वो हमने खैर बात करी ली कि ओरिजिनली एज पर दी आईबीसी अगर 180 दिन का टाइम लिया गया था, तो बट ने जो सी बात है कि ये जो मूव आपने लिया है कॉमन पैनल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को बनाने का, वाकई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन आपका काफी एक्सपीडाइट हो जाएगा इससे. दैट्स द टॉपिक वी हैव.